हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, एग्जाम भी होंगे। आप लोग जानते हैं यूपीएससी मेंस का कुछ दिनों के बाद एग्जाम होने वाला है, तो इसकी गाइडलाइन देख लेते हैं यूपीएससी के द्वारा तो जारी की गई है। तो आप लोग अगर 2022 में पेपर दे रहे हैं तो ये तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन भविष्य में आप लोग कभी भी एग्जाम दे रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेंस लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, वरना आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पर आपके मार्क्स हैं वो भी काटे जा सकते हैं, आपको रस्टिगेट किया जा सकता है, या फिर भविष्य की जो परीक्षाएं हैं उनसे भी रोका जा सकता है आपको। तो बहुत सारी 21 जो यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई हैं, वो हम 21 पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, साथ में जो विकलांग लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हम यहाँ पर आपको अच्छे से बताएंगे। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको क्या करना है मेंस देते समय और क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना आपकी 1-2 साल की जो मेहनत है वो एकदम समझ लीजिए बेकार हो जाएगी। आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप उसको एक समझ लीजिए ऐसे गवा देंगे। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं जब रिजल्ट देखते हैं तो कुछ ऐसा होता है, आप लोग सोचते हैं यार पेपर तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन रिजल्ट कैसा आया, तो यूपीएससी आपको इस तरह से किक आउट कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह से देखिए मेंस की यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर ये बहुत ही सिली मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको इस तरह की सिली मिस्टेक नहीं करना है। इनके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं वो आपको बताएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जहां पर जो डिटेल मांगी गई उसकी जगह पर दूसरी डिटेल डाल देना, तो ये भी क्या होता है, गलत होता है, ये कॉपियां जांची नहीं जाती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है, कई मिस्टेक है ना ये जनरली लोग करते हैं, इसमें क्या होता है ना कि उनका जो क्वेश्चन होता है वो खत्म नहीं होता है, आंसर करते वक्त उनकी 2-4 लाइनें बच जाती है, वो अगले पेज में लिख देते हैं और वो क्वेश्चन वहां से कट कर देते हैं। तो देखिए इस तरह एकदम साफ साफ रिकमेंडेशन में बताया गया, अभी आप लोगों को दिखाएंगे भी पूरी पीडीएफ के थ्रू, आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके माइनस भी जो मार्क्स हैं वो भी माइनस किए जा सकते हैं। तो इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत सारी जो मिस्टेक कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 786 लिख दिया, मतलब ये कि यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। इसी तरह से देखिए यहाँ पर एक क्रिश्चियन वाला यहाँ पर सिंबल बना दिया, तो ये भी इस तरह की जो कॉपियां वो नहीं जांची जाती हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा इस तरह से आप पेज ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते तो आपको क्या करना चाहिए वो भी आप लोगों के लिए बताएंगे। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि ये तो अभी हम आपको बताए थे कि मतलब जो क्वेश्चन है जहां पर है वहीं पर आप लोगों के लिए लिखना है। तो देखिए पार्ट नंबर आपको एक तरह से 2 देखने को मिलेगा, वहां पर हमारा माइक बेकार हो गया था, हम वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर दिए, यही सेम थंबनेल वाला लगा हुआ होगा। ओके, तो ये पार्ट नंबर 2 है, वहां पर हम बताए थे आपको मेंस के एडमिट कार्ड कैसे निकालना है, अगर मेंस के एडमिट कार्ड में आपका कोई भी एरर आ जाता है, कोई समस्या आ जाती है, तो आप लोग आयोग से कैसे बात कर सकते हैं, कैसे उसमें मिस्टेक है वो सही करा सकते हैं, अगर आपका फोटो क्लियर नहीं है तो आप फोटो तब आपको क्या करना है, इन सारी चीजों के बारे में बताए थे। और साथ में आपको एग्जाम शेड्यूल के बारे में भी बता दिया, वहां पर जाकर के देख लीजिए, पीडीएफ भी सारे लिंक्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। और जो इस वीडियो का लिंक है ये यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और कमेंट बॉक्स है और ऊपर आई बटन है, हर जगह आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये एक तरह से पार्ट नंबर 1 आप इसको समझ सकते हैं, और जो अभी चल रही है ये पार्ट नंबर एक तरह से 2 आप लोग समझ सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के बारे में, बताए तो उसमें भी थे लेकिन माइक हमारा उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, तो नया माइक लेकर के आए हैं, तो कल की क्लास भी आप लोगों की ऑफ करनी पड़ गई थी इसी वजह से। तो चलिए आप लोग हम लोग उसके आगे की वीडियो यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो देखिए ये दिशा निर्देश है यूपीएससी के द्वारा जारी किए गए हैं, मतलब आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं, हम 1 बाय 1 देखते हैं। ये आपको 21 देखने को मिलेंगे, मतलब 21 देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग के वो तो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा जैसे नीचे आएंगे तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो ध्यान पूर्वक देखिए सुनिए। अगर आप लोग पेपर दे रहे हैं या पेपर देना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए इस चीज को, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, वरना यूपीएससी बहुत गुलटे मारेगी आपको। तो देखिए पहले में बताया गया है कि यूपीएससी कहती है कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सदा शांतिता बनाए रखेंगे, मतलब भाई एकदम पेशेंस बनाए रखेंगे, शांति बनाए रखेंगे, हम ऐसे आपसे उम्मीद करते हैं। ओके, और साथ में जो भी नियम कानून है भाई आप उनका पालन करेंगे, जिससे जो भी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। तो देखिए ये तो नॉर्मली बात है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यूपीएससी दूसरी बात क्या कहती है, दूसरी बात कहती है कि भाई ये मतलब उन्होंने बताया परीक्षा दिनांक विनांक करके बताया, फिर बताया कि जो आप एग्जाम हॉल के बाहर एक ट्रस्ट लगा होगा उसमें पोस्टर में आपकी जो जानकारी है वो उल्लेखित होगी, उसमें दिशा निर्देश होंगे कि आपका रोल नंबर कौन सा है और आपका क्या कहते हैं वो कक्षा वक्षा आपको कौन सा मिला है, मतलब वो रूम वूम के बारे में बताया जाता है, आप लोग एग्जाम देने जाते होंगे तो इतना तो आप लोग जानते होंगे। अब देखिए तीसरे नंबर से अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती हैं,
जैसे यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि ई प्रवेश पत्र, मतलब आपके बात की जा रही है एडमिट कार्ड की। अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई विसंगति है या फिर विसंगतियां हैं, मतलब आपके में कोई भी मिस्टेक है आपके एडमिट कार्ड में या बहुत सारी मिस्टेक है, तो आपको तत्काल संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करना है, उनसे जाकर के भाई बताने कि ये समस्या, उस समस्या का समाधान पहले से पहले आपको मिल जाएगा। ओके, और वो कैसे समस्या का समाधान होगा वो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, किस तरह से आप लोग ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं आयोग से। इसके अलावा आप लोग ऑफलाइन जाकर के गेट नंबर 3 पर भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जब भी मेल करें तो उनमें कौन सी 5 चीजें लिखना जरूरी है तभी रिप्लाई आएगा, वरना रिप्लाई नहीं आने वाला, तो वो वाली वीडियो जाकर के देख लीजिए। इसके अलावा देखिए इसमें बताया गया है कि आप जब परीक्षा भवन में, मतलब जो एग्जाम सेंटर होगा, जब आप उसमें प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते समय आपको ई प्रवेश पत्र ले जाना है, मतलब उसका प्रिंट आउट ले जाना है, हार्ड कॉपी में, मोबाइल वोबाइल में नहीं ले जाना है। और साथ में आपको एक मूल पहचान पत्र ले जाना है, ऐसा नहीं फोटो कॉपी, आधार कार्ड है तो ओरिजिनल लेके जाइए, पैन कार्ड है ओरिजिनल लेके जाइए, वोटर आईडी है तो ओरिजिनल। लेकिन कौन सी ले जानी है आपको, वो ले जानी है जो आपके जो प्रवेश पत्र में जिसका अंक, जिसका नंबर आपने डलवाया होगा वहां पर जब फॉर्म फिल करते हुए, तो उसी का नंबर होगा, वही आपको ले जानी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म फिल कराते वक्त आपने आधार कार्ड का नंबर डलवाया तो आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाइए, आपने वोटर आईडी डलवाया है या फिर आपने जो कुछ भी डलवाया वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। ओके, और साथ में आप देख सकते हैं इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो उम्मीदवार की होगी, भाई एग्जाम सेंटर वालों की यूपीएससी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एडमिट कार्ड है भाई, एक पेपर नहीं होना है, बहुत सारे पेपर होने हैं, हर पेपर में आपको सुरक्षित लेकर के आना है। जिम्मेदारी किसकी है, आयोग की नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, उसको एकदम एकदम दुल्हन की तरह उसको सुरक्षित रखना है एकदम सजा करके। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट बोलता है कि प्रतिरूप धारक, देखिए प्रतिरूप धारक का मूल विधि में आपको पढ़ाए थे कि प्रतिरूपण का मतलब क्या होता है, भेष बदल करके जाना। ओके, तो इसका मतलब होता है कि लोग होते नहीं है कि दूसरे एडमिट कार्ड दूसरे का फॉर्म किसी ने डाला है लेकिन उसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति जाकर के पेपर दे आता है, उसकी बात की जा रही है। इसमें आयोग ने एकदम साफ साफ कह दिया कि आपके जो प्रवेश पत्र से अगर कोई प्रवेश करता हुआ पाया गया या पकड़ा गया, ओके, तो आपको ये प्रूफ करना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी होगी भाई आपका एडमिट कार्ड व्यक्ति के पास कैसे पहुंच गया और आप इसमें संलिप्त नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप बच नहीं सकते भाई, हम क्या करें, वो हमारा एडमिट कार्ड ले चले गए, नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी पूरी बनती है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा हमारा उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा देखिए छठा पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके लड़कियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आयोग ने साफ कह दिया है कि भाई बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो अपनी एग्जाम सेंटर पर लेकर के नहीं आनी है, यानी कि आईफोन, यहाँ पर जो खासकर लड़कियां होंगी वो 9 लाख का हार पहन के ना आए, वरना क्या कि हमारे तो भाई सैया जी ने या फिर हमारी सासू माँ ने 9 लाख का हार दिया, हम तो पहन के जाएंगे यूपीएससी वाले सेंटर को दिखाएंगे कि वो सेंटर देखो एकदम हमें इतना गहना वहना मिला हुआ है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या जाना, एकदम साधारण जाना है, मन करे तो पैजामा कुर्ता पहन के चले जाइए, लोअर वोर पहन के चले जाइए, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आपको कोई रोकने टोकने वाले नहीं, लेकिन कपड़े अच्छे से पहन के जाइएगा क्योंकि बड़ी ठंड लगने वाली है, अब ठंडी का मौसम आ गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो मजाक की बात है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से जाना है, कपड़े वपड़े पहन कर अपना ध्यान रखना है, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। अगर आपकी तबीयत बेकार हो गई तो आपका जो मिनट मिनट होता है वो बहुत ही बहुमूल्य होता है, ये समय दोबारा वापस आपको नहीं मिलने वाला, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अलावा देखिए आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बताया गया सातवां पॉइंट है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया जैसे आपके एग्जाम जब भी स्टार्ट होगा उससे 30 मिनट पहले एंट्री प्रारंभ हो जाएगी, और एग्जाम जैसे स्टार्ट होगा, जैसे मानते हैं 9 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा, तो उससे 10 मिनट पहले ही दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर आप दरवाजे के बाहर रो पीटो दरवाजा नहीं खुलने वाला। ओके, तो आपको पहले से पहले वहां पर पहुंच जाना है। ओके, अब ऐसा भी नहीं है कि वहां पर डेरा डाल लो जाकर, डेरा नहीं डालना है। ओके, बस आपको थोड़े पहले चले जाना है समय से, और जा करके फिर आपको आराम से प्रवेश दे दिया जाएगा, यानी कि 10 मिनट पहले, यानी कि आप यहाँ पर स्कूल वालों को या फिर आयोग को या फिर जो एग्जाम सेंटर है उनको आप ब्लेम नहीं कर सकते कि अभी 5 मिनट बचे हैं हमको एंट्री दे दो, नहीं, यहाँ पर साफ बोल दिया गया भाई 10 मिनट पहले ही दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा, आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आप देखिए वो कॉलेज वाले हैं, दया आ गई थोड़ी सी तो प्रवेश दे दें, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिया गया तो आपको पहले से ही जाना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बताया गया आठवां पॉइंट, देखिए आठवां पॉइंट है वो काफी महत्वपूर्ण है। आठवें पॉइंट में बताया गया है कि आप
अपने ई प्रवेश पत्र में जो उल्लिखित केंद्र उपकेंद्र जो एग्जाम सेंटर की बात की जा रही है, यहाँ पर हिंदी में थोड़ा खतरनाक होता है, कोई बात नहीं, हम इंग्लिश हिंदी दोनों बता देते हैं। ओके, देखिए इसमें एक बात की किसकी की गई है, केंद्र की, यानी कि आप गलत केंद्र पे जाकर के पेपर दिए, या फिर आप जो भारतीय भाषा लागू है उसको छोड़कर अन्य भाषा बोले कि हमको तो ये भाषा आती है, हम तो इसी भाषा में लिखेंगे। नहीं, आप अगर दूसरा इसमें क्या बोला गया, आप दूसरी भाषा में रिटेन एग्जाम दे दिए, या फिर तीसरा देखिए इसमें बोला गया वैकल्पिक विषय, यानी कि जैसे कि मानते हैं आपने ज्योग्राफी लिया और आपने दूसरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर लिखा है, बोले कि यार हम तो, हमें तो दो तीन ऑप्शन लाते हैं कि सर ये पेपर कठिन है, दूसरा पेपर दे दो, हम तो उसका लिख करके आएंगे। तो इसमें साफ साफ क्या दिया गया है, उस व्यक्ति की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, मतलब उसकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। अगर उसने तीन मिस्टेक की, कौन कौन सी, दूसरे एग्जाम सेंटर पे जाकर पेपर दे दिया, तो ये तो पॉसिबल नहीं होता कि कोई बोलोगे एंट्री नहीं देते हैं। देखिए ये दो समस्याएं कर सकते हैं, एक नंबर एक आप लोग जो भाषा है भाई आप दूसरी भाषा में लिख दें, या फिर आपका जो वैकल्पिक विषय है दूसरे वैकल्पिक विषय में आप लोग देते हैं। ये समस्या कौन ज्यादा करते हैं, कहेंगे जो बाबा टाइप के लोग होते हैं। बाबा टाइप के लोग कौन होते हैं, जो 10-20 सालों से पढ़ाई करते आते हैं, उनको बाबा बोलते हैं दिल्ली में। ओके, तो वो बाबा लोग होते हैं ना, उन्होंने 4-5 ऑप्शन होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, पहले से पढ़ के रखे होते हैं, बोले कि चलो यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करो गुरु जी, और उधर से ऐसे उनका खैनी चलता होता है, ऐसे करके बनाते होते हैं, कहते हैं यार गुरु जी दूसरा दे दो, उनके तो घर की खेती है, वो चीज आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए तो वो बाबा हो गए अभी तक। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर उनकी उम्मीदवारी है वो रद्द की जा सकती है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपने जो लैंग्वेज चूज की है लिखने के लिए उसी में आपको एग्जाम देना है, जो आपने वैकल्पिक विषय लिया है उसी वैकल्पिक विषय को आपको देना है। अगर आपके वैकल्पिक विषय एडमिट कार्ड में दूसरा आ जाता है तो आपको तत्काल यूपीएससी से कॉन्टेक्ट करना है, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बोला गया है कि भाई आप परिसर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, संचार के जो माध्यम होते हैं, वो संचार वाले जो उपकरण होते हैं भाई, वो आप नहीं ले जा सकते। अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो देखिए आपके साथ में अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी, और साथ में आपको भविष्य की जो भावी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी रोका जा सकता है। और देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मेंशन कर दिया कि भाई आप स्विच ऑफ मोड में भी नहीं रख सकते, यानी कि जरूरी नहीं आप उस डिवाइस से आप नकल कर रहे हो, जरूरी नहीं। आप उस बोले कि यार 10 रुपए कौन देगा, यहाँ पर लाइन लगना पड़ता है, 10 रुपए में मोबाइल जमा कराते हैं, अभी दूसरी मीटिंग में पेपर देने आना है, फिर मोबाइल लेंगे, फिर 10 रुपए चला जाएगा, इससे अच्छा स्विच ऑफ मोड में रख लेते हैं, हम सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, हम नकल तो नहीं करने वाले, बस स्विच ऑफ करके हम रख लेते हैं। लेकिन आप पकड़े गए तो इसमें देखिए दंडनीय माना जाएगा इसको, और आपके ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी, भले ही आपने इंटेंशन आपका सही हो कि भाई हमारा जो मोबाइल है वो हमने ऐसे ही रख लिया, हम नकल नहीं कर रहे, या फिर आपकी वॉच है बोले एप्पल वॉच हम तो बैन किया है, वॉच तो बैन किया सकते हैं लेकिन आप एप्पल वॉच बैन किया गया, बोले कि ये एप्पल वॉच है भाई, तो वो क्या है भाई, भले ही आप एप्पल वॉच से नकल नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्या आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, इसमें कोई प्रूफ नहीं करना होगा कि हम नकल नहीं कर रहे थे, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जिन उम्मीदवारों, जो 10वां पॉइंट देखिए यहाँ पर दिया रखा है, वो बोलता है 10वां पॉइंट कि जिन उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड का जो फोटो है वो सही नहीं आया, मतलब ब्लर हो गया है, कहीं पर धुंधला हो गया है, फोटो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उन लोगों के लिए पासपोर्ट साइज का जो फोटो होंगे वो अपने साथ लाने पड़ेंगे, प्रत्येक सत्र में लाने पड़ेंगे, मतलब जितने पेपर होंगे, ऐसा नहीं एक बार पहली बार लिया है, नहीं आपको हर बार एक फोटो एक्स्ट्रा लेकर के जाना ही जाना। इसमें देखिए क्लियर मेंशन कर दिया कि वचनबद्ध तरीके से भैया आपको साथ लेकर के आना है अपना फोटो, अपन जैसे आप ले आ रहे हो वैसे ही फोटो को भी लेकर के आओ। इसके अलावा देखिए 11वां बहुत महत्वपूर्ण है, 11वां पॉइंट कहता है कि आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। देखिए जो लोग ऑप्शनल में मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स ऐसी चीजें लेते हैं वो लोग इस चीज का उपयोग करते हैं, आप लोगों का इतना उपयोग करना ही है कि यहाँ पर आप लोग कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, लेकिन वो प्रोग्रामेबल नहीं होना चाहिए कि उसमें तो टिकटॉक फेसबुक सब चल जाए, नहीं, वो जो वैज्ञानिक वाले होते हैं, साइंटिफिक वाले होते हैं, जो आपने देखा होगा जैसे कैलकुलेशन की जाती है, वे कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति है, हाँ निश्चित तौर पर उनकी अनुमति है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो बीटेक वाले कई सारे लोग होते हैं जो लोग इस प्रकार का ऑप्शन ले लेते हैं, उनको जरूरत पड़ती है, वो कैलकुलेशन बहुत लंबी लंबी एल्गोरिथम होती है उनका यूज होता है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन आपके वैसे काम का तो ये नहीं है कोई इसमें, तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि 12वें पॉइंट में बोला गया है कि 12वां पॉइंट देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, अब ये थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है,
ये आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, आप लोग जाकर के देख लीजिए। हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या दिया रखा है। 12वां पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 12वां पॉइंट कहता है कि जो आपकी उत्तर पुस्तिका होगी ओके, तो उसमें जहां पर बोला जाएगा जो क्वेश्चन लिखने के लिए उसी स्थान पर आपको लिखना है। जैसे क्वेश्चन आपको होगा तो क्वेश्चन के नीचे फिर ब्लैंक स्पेस होता है जहां पर आपको आंसर करना होता है और दो लाइनें इधर उधर खींची हुई होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर है वो आप लोग आगे लिख दें और बोल दें क्वेश्चन नंबर भैया चौथे का आंसर है लेकिन हम पांचवी जगह पर लिख रहे हैं, समझ लो तुम्हें जो समझना है समझ लो ओके। तो ऐसा नहीं करना है भाई, जो जगह जहां पर दे रखी है वहां पर ही लिखना है। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के, जैसे आपका धोखे से एक क्वेश्चन ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं भाई, एक हो गया तो वो लोग थोड़ा बहुत मार्क्स काट के आपको मार्क्स दे देंगे। लेकिन आपने सभी में ऐसा कर दिया तो हो सकता है आपकी कॉपी भी जांच ना की जाए, आपके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है और आपको अगली परीक्षाओं से भी रोका जा सकता है और इस परीक्षा से भी आपको रस्टिगेट किया जा सकता है। इसके अलावा आपके अंक कटौती भी की जा सकती है ओके। और देखिए इसी में आपको देखने को मिलेगा नीचे कि जैसे कि जिस प्रश्न का आपने आंसर नहीं किया है, जिस प्रश्न का आंसर आपने नहीं किया है तो उसके नीचे क्रॉस आउट कर देना है। अभी जैसे वो आपने ब्लैंक हमने दिखाया था ना कि ब्लैंक छोड़ दिया था, नहीं, जिसका आपने आंसर नहीं किया है जमा करने से पहले, जो जैसे मार्कशीट जब आंसर किया है वो जमा करने जाते हैं उससे पहले वहां पर आपको क्रॉस आउट कर देना कि भाई हमने इसका आंसर नहीं किया है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो जितने भी खाली पृष्ठ होंगे, पृष्ठ का मतलब होता है पेज, तो जो भी खाली पेज आपने रहने दिए हैं जहां पर क्वेश्चन आपको लिखना चाहिए था लेकिन आपने नहीं लिखा किसी कारणवश, तो आपको वहां पर क्रॉस आउट कर देना है या फिर इस तरह से लाइन खींच देना है। तो देखिए यहाँ पर एकदम साफ साफ ऐसा बोल दिया है ओके, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए ओके। इसके अलावा देखिए जो 13वां पॉइंट है, आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा, ये 13वां पॉइंट है, ये देखिए बोला है एकदम क्लियर कि खाली स्थानों और प्रश्नों को आपको स्पष्ट रूप से काट दिया गया है। ये आप एक बार देख लें कॉपी जमा करने से पहले, जिसको बोलते हैं क्रॉस आउट ओके। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप लोग कर सकते हैं कि इसका आंसर हम नहीं किया। तो 13वां पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो आपको ध्यान रखना है। जो 14वां पॉइंट है वो 14वां पॉइंट कहता है कि आप अपनी कॉपी जमा करने से पहले उसमें जो प्रश्न पत्र लगा हुआ होगा जिसको आपको लेकर के आना है घर पर, तो उसको फाड़ करके आपको निकाल लेना है और बाइज्जत उसको अपने पास रख करके घर ले आना है ओके। तो 14वें पॉइंट में क्या बोला गया भाई, प्रश्न पत्र निकाल लेना है और जमा करने से पहले जहां जहां आपने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं जगह खाली है वहां पर क्रॉस आउट कर देना है ओके। तो इतनी चीज आपको देखने को मिलेगी, वरना आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो 15वां पॉइंट है, 15वां पॉइंट बोलता है कि जो भी अनुदेश दिए गए, मतलब जो भी आपके लिए आदेश अनुपालन के लिए दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइन दी गई है, अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं तो देखिए आपकी जो उम्मीदवारी है उसमें भी खतरा मंडराने लगता है, उसको भी समाप्त किया जा सकता है और आपके ऊपर अनुशासनिक कार्यवाही भी की जा सकती है ओके। तो सभी जो दिशा निर्देश हैं जो दिए गए हैं वहां पर, वो आपको सभी के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना है ओके। इसके अलावा देखिए 16वां पॉइंट कहता है, 16वां पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। 16वां पॉइंट में देखिए यूपीएससी एक एक चीज क्लियर करती है। अभी 21 पॉइंट देख करके भाग मत जाना, अभी विकलांग लोगों के बारे में भी बताएंगे, एक दूसरा भी इसी तरह से पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा, उसमें ज्यादा नहीं है, बस 4-5 पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो 16वां पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, इसमें कहा है आपको प्रत्येक संघ लोक सेवा आयोग के साथ जो सभी आप पत्र व्यवहार कर रहे हैं, पत्र व्यवहार का मतलब क्या होता है, पत्र व्यवहार का मतलब होता है कि आप कोई भी उनसे बात कर रहे हैं पत्रों के माध्यम से, जैसे अब क्या है ईमेल आप कर रहे हैं या फिर आपने खत लिखा और खत लिख करके यूपीएससी को भेजा, पहले तो और लोगों को भेजा जाता था लेकिन अब यूपीएससी को आपने खत भेजा लिख करके ओके। अब एक खत भेजा, इस खत में कहा है कि 5 चीजें भाई डालना आपको जरूरी है, तभी हम आपका रिप्लाई करेंगे और तभी आपकी चीजों को मानेंगे, वरना हमें सपना थोड़ी ना आ रहा है भाई। तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, हर पत्र व्यवहार में चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वे में किया गया हो या फिर आप लोग हार्ड कॉपी में भेजें, सभी में एक तो आपको अपना नाम डालना है, दूसरा अपना अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर डालना है, तीसरा रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है और चौथा परीक्षा का नाम डालना है और पांचवा वो परीक्षा आप किस वर्ष में दे रहे हैं, ये 5 चीजें डालना अनिवार्य है, वरना भाई देखिए इस पत्र व्यवहार को नहीं माना जाएगा। ये 5 चीजें होनी ही होनी चाहिए उसके अंदर। इसके अलावा देखिए 17वां पॉइंट कहता है
कि उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि भाई जितनी भी प्रविष्टियां जो भरनी है उनको भरने के लिए आपको काला जो बॉल पॉइंट वाला पेन होता है वो ले जाना है, जेल पेन नहीं ले जाना, इंक दबाद वाला नहीं ले जाना है। तो बाबा आदम जमाने के जो लोग हैं वो लोग इंक दबाद वाला ना लेकर के जाए। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ये बन्ना बोले कि अरे हमारे दादाजी का है, दादाजी ने इससे हमारे अंग्रेजों से लड़ाई की थी, तो यहाँ पर पत्थर लिख करके इसी से देते थे उस समय, अब हम इसी से यूपीएससी का पेपर लिखेंगे, इसी से सब सब जितनी भी एंट्री होंगी वो सभी एंट्री हम उसी से करेंगे। नहीं, उससे एंट्री नहीं करना, दादाजी की इमोशन आपके पास है लेकिन इसका ही आपको ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए ये चीज आपको देख, आप लोग सोच रहे होंगे मजाक इतना क्यों कर रहे हैं सर। देखिए बहुत ज्यादा दबाव होता है, आप लोगों को दबाव नहीं लेना है, बहुत आराम से सारी चीजें करना है। देखिए एकदम ऐसा भी नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, और ऐसा भी नहीं कि दबाव के कारण खाना पीना ही छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए जो 19वां पॉइंट है वो कहता है कि आपको जब भी आपको एग्जाम हॉल में जाना है तो देखिए जो सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं 18वां पॉइंट वो कहता है कि मार्क्स और आपको जो भी फीस शील्ड आता है वो लगा करके जाना, तभी आपको प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 19वां पॉइंट कहता है कि जब आपका सत्यापन किया जाएगा, मतलब कोई चेक करने के लिए आएगा कि कहेगा भाई अपना मुखड़ा दिखाओ, जैसे बहू का आते हैं फिर मुंह दिखाई करते हैं, वैसे मुंह दिखाई आपकी की जाएगी प्रवेश जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे, और हो सकता है बीच में भी की जा सकती है जब आपसे साइन वाइन कराए जाए, या फिर बीच में अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति पाया गया तो भी जांच की जा सकती है। तो सत्यापन करने के लिए जब भी कोई भी आएगा तो आपको मार्क्स या फिर सील्ड हटाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं हम मार्क्स नहीं हटाने वाले, ओके नहीं, तब मार्क्स हटाना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम हॉल में जाएंगे वहां पर बैठेंगे तब आपको मार्क्स लगा करके रखना है। तो भाई यूपीएससी ने क्लियर कर दिया, वरना लोग कहेंगे हम दिखाएंगे ही नहीं, कोरोना हो जाएगा। ओके, नहीं यूपीएससी ने कहा भाई सत्यापन समय दिखा दीजिए, इज्जत से दिखा दीजिए। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कुछ COVID-19 के जो यहाँ पर रिकमेंडेशन है वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर कि आपको हैंड सैनिटाइजर ले जाना है, वो भी ट्रांसपेरेंट एक छोटी सीसी में लेकर के जाना है। ऐसा नहीं कि बड़ा एकदम वो ऐसे स्प्रे करने वाला बड़ा खाली चले गए, ओके ये वो नहीं लेके जाना। इसके अलावा उन 21 पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा जो COVID-19 की जो भी मापदंड है यानी कि गाइडलाइन जारी की गई है वो भी आपको साथ में माननी है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिली, अभी हम इसका एक बार में ओवरव्यू भी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ जो विकलांग लोग होते हैं जो फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं वो लोग, उनके लिए यहाँ पर गाइडलाइन है जो कि काफी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा कि वही जो सेम है कि विकलांग लोग हैं उनसे भी यही उम्मीद की जाती है भाई आप सादा सानिता बनाए रखेंगे और जितने भी नियम कानून है उनका आप पालन करेंगे। ओके, ये चीज। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा बदल जाता है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, एक्चुअली ये क्या आ गया, दोबारा से आ गया है। एक्चुअली वो हम लगाना यहाँ पर भूल गए हैं लेकिन आप लोगों के लिए बता देते हैं, एक्चुअली वहां पर होगा, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर हमने लगाया होगा, ये देखिए पीडीएफ आप लोगों के लिए मिल जाएगी, एकदम समस्या वाली बात नहीं है। ओके, तो देखिए ये पीडीएफ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये पीडीएफ आप लोग देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण बात है, यही आप लोगों के लिए देखना है। जैसे देखिए जो विकलांग लोग हैं उनके लिए यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई है कि देखिए जो भी विकलांग लोग हैं उनमें से कुछ लोग कौन कौन से, प्रत्येक विकलांग लोग के लिए यहाँ पर छूट नहीं दी गई है। तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई प्रत्येक सत्र में उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, कौन से नंबर, एक आप लोग देख सकते हैं जो दृष्टि बाधित देते हैं यानी कि जिन लोगों को बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, और साथ में आप देख सकते हैं जो लोकोमोटर क्षमता, ये लोकोमोटर क्षमता क्या होते हैं, जिनके दोनों हाथ प्रभावित हो जिसकी वजह से वो लिख ना सकते हो, जैसे किसी के दोनों हाथ नहीं होते हैं या फिर कुछ लोगों के दोनों हाथ होते हैं लेकिन वो वर्क नहीं करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ऐसे लोगों के लिए प्रत्येक घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रत्येक घंटे दिया जाएगा। ओके, तो जैसे 3 घंटे का पेपर है तो यानी कि 60 मिनट एक्स्ट्रा इन लोगों को समय मिलेगा। लेकिन कुछ और लोग हैं जो जैसे ऐसे लोग हैं जो दृष्टि बाधित नहीं है लेकिन और किसी तरह से विकलांग हैं, ओके, जैसे किसी को पोलियो लगा हुआ है, कुछ और कारण है, तो उन लोगों के लिए अगर इसका लाभ लेना है 20 मिनट वाला जो प्रत्येक घंटे एक्स्ट्रा जो जिन लोगों को दिया जाएगा, तो भाई वो सभी के लिए नहीं, इसमें बता दिया भाई देखिए
इस अधिनियम की धारा 2016 बहुत मतलब आप लोग देख लीजिएगा कि धारा 2 के अंतर्गत बताया गया कि भाई ऐसे उम्मीदवार हैं जो इन दोनों को छोड़ करके उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर उन्हें इसका लाभ लेना है तो आप देख सकते हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन या फिर चिकित्सा अधीक्षक हैं, इनसे लिखित रूप में ये प्रमाणित कराना होगा कि इनकी अक्षमता की वजह से इनकी लिखने की जो क्षमता है, इनकी लिखने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो रही है, तो उन्हें अतिरिक्त समय कंपनसेशन के रूप में दिया जा सकता है। लेकिन इन दोनों लोगों के अलावा अगर कोई और विकलांग लोग है जो इसका लाभ लेना चाहता है तो उसे पहले यहाँ पर जाकर के प्रूफ कराना पड़ेगा कि हाँ मेरी विकलांगता की वजह से मेरे लिखने की जो क्षमता है, स्पीड है, उस पर प्रभाव पड़ता है। ओके, तब उन लोगों के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं 3 घंटे 60 मिनट का समय उनको प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे विकलांग लोगों की बात की गई है कि वो स्क्राइब ले जा सकते हैं। स्क्राइब क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि जो लोग लिख विख नहीं पाते हैं, ओके, विकलांगता की वजह से, तो वो लोग दूसरे व्यक्ति को ले चले जाते हैं जो लिखता है, वो बोलते हैं वो लिखता है, उनके लिए यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई है, उनके लिए बताते हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस व्यक्ति को तभी ले जाया जा सकता है जब आयोग को पहले बताना होगा कि हम किस व्यक्ति को ले जा रहे हैं लिखवाने के लिए स्क्राइबर के रूप में, तो उस व्यक्ति का एडमिट कार्ड जारी होगा और उसका भी एडमिट कार्ड उसी तरह से लाना हर पेपर में जरूरी है जैसे अन्य का। और साथ में इसमें बताया गया कि भाई आप उस व्यक्ति को आप चेंज नहीं कर सकते बिना आयोग को बताए। आपने जैसे दिखाया कि आयोग को कि एक्स व्यक्ति जा रहा है हमारा पेपर लिखने के लिए, लेकिन वाई व्यक्ति फिर आप ले चले गए एग्जाम हॉल में, ऐसा नहीं किया जा सकता। आयोग को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जो आयोग कहेगा इस व्यक्ति को ले जा सकते हो उसी व्यक्ति को ले जा सकते हो, और उस व्यक्ति के लिए भी सेम प्रोटोकॉल है कि भाई उसको भी मास्क लगाना है, उसको भी उसी तरह से जांच कराना है, सब कुछ सेम नियम देखने को मिलेंगे। अगर इसमें कोई भी धांधली टाइप की देखने को मिली तो इसमें भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ चीजें यहाँ पर बताई, जैसे पांचवा पॉइंट आप देखेंगे, पांचवें पॉइंट में बताया कि भाई जो स्क्राइबर होगा वो शांति रूप से, साधारण रूप से लिखेगा जो भी वो बता रहा है, वो किसी भी प्रकार का इशारा इशारा आवाज या फिर कोई भी संवाद या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का संकेत नहीं देगा, जिससे उस व्यक्ति को, उस उम्मीदवार को लगे कि मेरे द्वारा बताया गया आंसर है वो गलत है क्या, या फिर उसको किसी भी तरह का आभास हो। बस क्या होगा, वो बताएगा और उस व्यक्ति को लिखना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, ये यानी कि इसमें बताया गया कि भाई जो वो व्यक्ति बता रहे हैं भाई आप लिखिए, अगर अतिरिक्त लिखते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई, दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। और देखिए भाई सेम चीज आपको देखने को मिलेगी कि भाई जैसे और लोग हैं जो भी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, वो प्रोटोकॉल आप लोगों को भी फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, तो ये चीजें थी जो महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बता दी। अब ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम लिखते समय जिस जगह पर जो चीज पूछी गई है एंट्री वहां पर ही करें, अगर आपकी एंट्री गलत हो गई तो भाई उसको काटा पिटी ना करें, वहां पर जो भी आपके हॉल में जो भी टीचर होंगे उनसे बात करके वहां पर संशोधन करवा लें। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग क्वेश्चन जहां पर पूछा गया है उतने में ही आप लोग आंसर लिखें, ऐसा नहीं है कि आपका आंसर है वो थोड़ा सा रह गया तो आप दूसरी जगह लिख दें। ओके, उसमें किसी भी तरह का नाम अपना, किसी भी तरह की पहचान या फिर किसी भी तरह की अन्य चीजें ना दें। इसमें देखिए एक आपको दिखाते हैं, अगर डाला होगा तो, वैसे नहीं डाला होगा तो कोई बात नहीं, एक मिनट आपको देखते हैं, हो भी सकता है कि इसमें हमने डाला हो, नहीं डाला होगा तो कोई बात नहीं। तो देखिए इसमें लिखा है कि मेरा सर लास्ट प्रयास है, कृपया कॉपी को शालीनता के साथ चेक करें। एक्चुअली इसमें हम डालना भूल गए, हमारे पास बहुत सारी इस तरह की कॉपी आपको देखने को मिलेगी, उसमें लिखा गया कि सर हमारा लास्ट प्रयास है, सर हमारा विवाह होने वाला है, सर हमारी एज हो गई है जिस कारण ऐसा ऐसा है। ओके, तो शालीनता के साथ हमारी कॉपी चेक करें। तो इस तरह की कोई भी चीजें नहीं लिखनी कि भाई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, गाना लिखाओ क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ऐसा नहीं भाई। जो क्वेश्चन है, जो डिमांड है, उसी डिमांड के अनुरूप क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी गाना पता नहीं बोले कि आज मैडम जी की याद आ गई तो मैडम जी के बारे में ही, बाबू सेना के बारे में लिखा है, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों के लिए। अगर किसी भी तरह के आपके डाउट्स हैं तो आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं, जिस तरह से यूपीपीसीएस के बारे में हम आपको बहुत अच्छे से गाइड किए थे, आपका सपोर्ट किया था, आप लोगों ने उसको लाइक किया था, इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा उसी तरह से लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम आपको सब कुछ हिंदी में प्रोवाइड कराते हैं।
और हिंदी में प्रोवाइड कराने के साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ प्रोवाइड कराते हैं। देखिए एक हमारा नया बैच यहाँ पर लॉन्च हो रहा है, इसके बारे में एक मिनट बता देते हैं। सिर्फ 99 रुपीज 99 रुपए प्रति माह की दर से आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 3 जनवरी 2022 से, 2022 से ये जो बैच है स्टार्ट हो रहा है, 7 बजे से लेकर के इसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट, असाइनमेंट सब कुछ मिलेगा। जूम मीटिंग के थ्रू आपको इम्प्रूवमेंट का मौका भी मिलता है। क्लब है, क्लब में आपको एक तरह से गाइड किया जाता है जहां पर आप लोग अपने आप को इम्प्रूव इनहांस कर सकते हैं। तो इसकी अधिक जानकारी के लिए सेम थंबनेल के साथ में वीडियो मिल जाएगी हमारी यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा हमारी जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर इस नाम से मिल जाएगी, क्लब ISS फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, इसको इंस्टॉल करिए, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ये अचीवर बैच है, इसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप लोग 15 महीने के बाद यानी कि 2023 में अगर आप लोग पीडी एग्जाम दे रहे हो उसके बाद दे रहे हैं तो आप लोग इसमें एडमिशन ले लीजिए। अगर आप लोग 2022 में पीडी एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग सेकंड फाउंडेशन बैच में हमारे एडमिशन ले सकते हैं। हमारा पुराना बैच चल रहा है, इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो पुरानी मिल जाएंगी और नई वीडियो आप लोग लाइव वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट सब कुछ उसी तरह से चलता है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार बनाए रखें, इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, आपको सारे नोटिफिकेशन, सारी न्यूज है वो बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पर दी जाती है, तो इसी वजह से अपना थोड़ा सा सहयोग दिखाए रखें। ओके।